हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक गेस्ट हाउस क्राफ्ट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने एक ली है दफ्ती। उस दफ्ती को मैंने क्या किया है, राउंड उसमें काट शेप में काट लिया है। एक मेरे पास पॉलीबैग पड़ा था ऑरेंज कलर, येलो कलर का जो कपड़े वाला होता है, मैंने उसको भी काट लिया है। उसको उस पर डबल उस डियर पर चिपका दिया इस तरीके से, फेविकोल से, गोंद से, इस तरह से पेस्ट कर दिया, चिपका दिया है। अब हम उस पर क्या करेंगे, लाइनिंग मैंने कर ली है, जैसे कि अभी आपके सामने स्केल के और ब्लैक कलर स्केल से मैंने इसको लाइनिंग कर दी है। उसमें ऑरेंज कलर से पट्टी भर दी है बीच में, देखने में केवल एक जो नीचे की जमी होती है वो देखने में सुंदर लगे, बस इसलिए मैंने ये किया है। आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकते हो, आप प्लेन भी रख सकते हो, आप अदर कलर भी रख सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप येलो कलर का ही रखें, कोई भी रख सकते हैं। अब मैंने ली है एक पेपर का काट लिया है, लगभग 2 इंच का टुकड़ा लंबा काट लिया है, उसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। इस तरह से मैं 4-5 रोल बना लूँगी और फिर 1-1 इंच पर इन रोलों को काट लूँगी। 1-1 इंच पर इन स्टिक्स को काट लेना है, ठीक है। तो 1-1 इंच का आप निशान लगा लीजिए या अंदाजे से आप 1-1 इंच के बराबर काट लीजिए। इस तरीके से ये मैं बनाऊँगी, ये पूरे इसके पोल बनाऊँगी, साइड में सारे पोल बना दूँगी और इन पोल को लास्ट में इनको कलर भी कर देंगे, तो देखने में खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत लगेंगे। तो इस तरीके से इन्हें पेस्ट कर देना है, चिपका देना है अच्छे से। इस तरीके से फिर जो मैंने गेट के का एरिया छोड़ दिया था ना, उसके ऊपर मेरे पास आइसक्रीम स्टिक रखी थी, मैंने उनको हाफ हाफ करके उनको दोनों तक चिपका दिया है। बीच में स्टिक को बराबर करके चिपका दिया है। इस तरीके से मैंने मेन गेट बना लिया है। अब मैंने एक लिया है डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक का ग्लास, उस ग्लास को मैंने हाफ कट कर लिया है। इसके ऊपर मैंने अभी इसका क्या, मैं इसका एक हाउस बनाऊंगी, ठीक है। तो डिस्पोजल ग्लास का हाउस बनाऊंगी, उसका आधा कट करके रख लिया। उसके बाद पेपर, एक पेपर की मैंने कटिंग कर ली है राउंड में, ठीक है। जो हट के ऊपर का जो बनता है ना छत बनानी है, उसके लिए बना लिया है। इस तरीके से देखना है, राउंड कट कर लेना है, उसको चारों तरफ से मोड़ लेना है, फिर एक हिस्से को हल्के से कटिंग करके इस तरीके से राउंड आकार उसकी ग्लास पे आपको सेट हो जाए, इस तरीके से बना लेना है, उसको चिपका लेना है। और अब मैं इस ग्लास को कर रही हूँ कलर, जो कि मैंने मेन इसका जो कलर बेस रखा है वो रखा है ऑरेंज एंड ग्रीन, तो मैं ऑरेंज ग्रीन का ही करूँगी। ये इस तरीके से नीचे का इसका बन जाएगा बॉर्डर। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए सूखने रख देंगे। अब इस पर बनाएंगे हम डोर विंडो इसको दस कलर कर लेंगे। अब ये बास की पास इसको मैं इस तरीके से हम निकाल करके, जिस तरीके से अगरबत्ती की स्टिक्स होती हैं उस तरीके से निकाल लेना है। फिर एक नाप ले लेनी है, इससे एक अंगुल एक्स्ट्रा रहे, इस नाप से सारी स्टिक्स को इस तरीके से काट लेनी है और काट करके इनको रख लेनी है। फिर इसके ऊपर जो हमने ऊपर की छत बनाई है, छत पर इनको अच्छे से पेस्ट करना है। अब इन्हें हमने लकड़ियाँ काट के रख लिया है। अब मैंने इस पर लगाया है गोंद और उसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर अच्छे से चिपका लेंगे, पेस्ट कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। ये एकदम से नहीं होगा, इसलिए थोड़ा करते हैं। थोड़ा करने के बाद में कुछ सेकंड आप रुकिए, कुछ सेकंड के बाद में ये सेट हो जाएगा, तब आप आगे बढ़िएगा। क्योंकि एकदम से आप लगाने की कोशिश करेंगे ना, तो ये अगर फेविकोल सूखेगा नहीं ना, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए आप कुछ स्टिक्स लगा लीजिए, लगभग एक भाग, जैसे कि पूरा ये है हट का पूरा जो ऊपर का छत है, इसके 4-5 हिस्से समझ लीजिए, तो एक हिस्से पर आप लगा लीजिए, जितने मैंने अभी लगाया है। और इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड्स के लिए, केवल 15 सेकंड्स के लिए रुकिए। 15 सेकंड के बाद में आप दूसरी तरफ लीजिए। इस तरीके से इसकी पूरी छत इस तरीके से कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको पूरी कंप्लीट कर लीजिए। अब ये छत हो गई कंप्लीट, अब हम लोग बनाएंगे इसके अंदर। ये मैंने बनाया है स्विमिंग पूल। इसे मेरे पास ब्लू कलर का कागज रखा था, उसकी कटिंग करके मैंने स्विमिंग पूल की तरह इसको चिपका दिया है। तो जब तक ये सेट होता है, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो हमने पोल्स बनाए थे ना, इनको हमने कलर कर लेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ग्रीन है, ऑरेंज का मैंने मेन बेस रखा है, तो इसलिए मैं ग्रीन कलर से और ऑरेंज कलर से इस तरह के इसको कलर कर लूँगी।
अब इसको कर लिया है हम लोगों ने कलर, अब हमने जो स्विमिंग पूल बनाया है, स्विमिंग पूल पर हम लोग लगाएंगे दोनों चारों तरफ लगाएंगे इसके फेविकोल, और मैंने कुछ स्टोन्स कलर करके रखे थे, रंग बिरंगे स्टोन कलर करके रखे थे, उनको से मैं इसका पूरा इसके साइड से लगा दूंगी, देखने में वहाँ स्विमिंग पूल बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इस तरीके से इसको लगा देना है। अब जैसे कि हमें इसे डेकोरेट करना है, जैसे सभी को अपने हाउस को डेकोरेट करना बहुत पसंद होता है, उस तरीके से हमें इसे भी डेकोरेट करना, तो इस तरह स्विमिंग पूल हो जाएगा। फिर मेरे पास एक अगरबत्ती स्टैंड था, उसको मैंने ऑरेंज कलर से कलर कर लिया है, इसके बाद मैं एक छोटा सा पेड़ लगा दूंगी तो देखने में काफ़ी खूबसूरत लगेगा। बीच में हम लोग रखेंगे यहाँ पे, इसमें हट रखेंगे, इस तरीके से इसको लगा देंगे, और फिर यहाँ पे इसके साइड में एक पेड़ रख देंगे, तो देखने में हम लोगों का ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है। अगर अच्छा लग रहा है ना तो प्लीज़ जल्दी से एक लाइक कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है थैंक यू, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है अगर करना चाहते हैं जल्दी सब्सक्राइब कर दें, साइड में एक बेल आइकन उसे प्रेस कर दें। थैंक यू।